गुड मॉर्निंग, नमस्ते आप लोग को। मैं शायद आप मुझे नहीं देख पा रहे होंगे। टाइम 5:45 हो रहा है, 5:30 बजे घर से निकला था। 15 मिनट दौड़ने के बाद साइड में देख पाएंगे 2 किलोमीटर रन करके अब रिटर्न हो रहा हूँ। तो यही 2 किलोमीटर फिर से रन करूँगा, तो टोटल 4 किलोमीटर हो जाएगा। ये टोटल पूरा नॉन स्टॉप रन करके आया हूँ। आज ऐसा फील हो रहा है कि और एनर्जी है और दूर तक जा सकता हूँ, पर टाइम को ध्यान रखते हुए क्योंकि 9 बजे से क्लास पकड़ना ही है, तो वापस 2 किलोमीटर और दौड़ के घर तक पहुँचें तो टोटल 4 किलोमीटर हो जाएगा मेरा। और उसके बाद घर पे ही एक्सरसाइज वगैरह करके फिर अपना ब्रेकफास्ट वगैरह जो है वो करके निकलेंगे। और अभी इतना अंधेरा है कि कुछ दिख नहीं रहा होगा, वीडियो बना के फ़ायदा है नहीं, तो दौड़ते हैं फिर से और मिलता है। अगर बीच में कहीं उजाला हो जाए तो कुछ बातें करूँगा मैं आप लोगों के साथ। तो फाइनली अभी थोड़ा उजाला हुआ, जाते समय 2 किलोमीटर 100 मीटर 15 मिनट लगा, और आते समय वही रास्ता भी थोड़ा बहुत बात करते समय वीडियो बनाते समय चला था, तो 1 किलोमीटर 900 मतलब टोटल 4 किलोमीटर हो गया मेरा। और टोटल टाइम लगा मेरा जाते समय 28 मिनट। ठीक है, 4 किलोमीटर का रिकॉर्ड मैंने किया 28 मिनट में। अब इसको इम्प्रूव करना है धीरे धीरे, और अभी भी मैं जैसे बात कर रहा हूँ फील कर सकते हैं कि उतना अभी भी दौड़ सकता हूँ, बट अभी घर पे जाके एक्सरसाइज करना है रिटर्न होकर। ठीक है, और दौड़ते दौड़ते एक बात ख्याल जो है मन में आ रहा वो ये है कि कभी कभी हमें ऐसा लगता है, या बहुत लोगों को मैंने ऐसे सुना है कि फलाना या फिर ये मेरे को जो है अपने अच्छे वक्त को याद नहीं करता है, लेकिन जब प्रॉब्लम में पड़ता है तब ज़रूर याद करता है। और इस बात से हमको थोड़ा सा हर्ट भी होता है कि अच्छे वक्त तो तुम्हें याद नहीं किया, अभी प्रॉब्लम पड़ा तो याद आएगा तेरे को। तो बट मुझे ऐसा लगता है कि लोग जो है ना ख़राब वक्त पे, जब उनका वक्त ख़राब रहता है, भगवान को तभी याद करते हैं। जब सुख में रहते हैं तब उनको याद नहीं आता है, लेकिन जब ख़राब वक्त आता है तो तब ज़रूर याद करते हैं, मंदिर जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं। तो वैसे ही समझ लीजिए, अगर आपको ख़राब वक्त पे याद किया जा रहा है तो आपका इम्पोर्टेंस वैसा ही है। तो मैं भी यही सोचता हूँ, अगर ख़राब वक्त पर लोगों को ख़राब वक्त जाना भी चाहिए। अगर आपने सुना है कोई प्रॉब्लम में है तो जाइए, वो उसमें जाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ना कि जब वो खुश है। खुश है तो ठीक है, लेकिन जब ख़राब वक्त में जाते हैं ना तो एक ना एक टाइम में आपकी अहमियत को व्यक्ति समझेगा। और कभी ये मत सोचिए मुझे ख़राब वक्त पे ये याद करता है, ख़राब वक्त याद भगवान को भी याद किया जाता है ख़राब वक्त में ही। आई होप जो कहना चाह रहा हूँ आप समझ रहे हैं, आप लोग समझदार है। ये तो वीडियो यहीं एंड कर देंगे, बाकी अभी घर में जाके मैं अपना एक्सरसाइज और पुशअप इसको कंप्लीट कर लूँगा, और आज 6 बजे से पहले ही घर घुस रहा हूँ। मेरे लिए बहुत मतलब टाइम बचेगा इससे। सेट 1 20 रिपीटेशन। सेट 2 का भी 20 रिपीटेशन कंप्लीट, यानी कि 2 सेट में 40, सो तीसरा सेट में 20 कर पाता हूँ कि नहीं भी देखता हूँ। तो सेट 3 में 10 किया हूँ, 50 हुआ है इसको तो टोटल, यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। तो जो बचे हुए 10 है वो भी कर दूँ, 60 तो मैं अचीव कर चुका हूँ, उससे नीचे तो करना नहीं है। तो आई थिंक थर्ड सेट में कर सकता था, पता नहीं शायद ये सरफेस जो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है उस वजह से शायद थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो थर्ड सेट में, तो अदरवाइज थर्ड सेट में ही मैं 20 कर सकता था। तो अभी मैं अभी कर देता हूँ 10। टेन तो हो गया, 5 और कर लेते हैं ना।
नहीं होगा। तो आज हुआ टोटल 63।